आज से बदल जाएगा इंडिया गेट से विजय चौक तक का इलाका, बताएंगे इसकी एक एक डिटेल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। भारी बारिश से सिलिकॉन सिटी कैसे हुआ बेहाल, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब बाढ़ के क्या हालात हैं, और एशिया कप में टूटा टीम इंडिया का सपना, सभी खबरों की विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। पीएम नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा का करेंगे उद्घाटन, आज शाम 7 बजे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो जाएगा, नए रूप में दिखेगा इंडिया गेट से विजय चौक तक का इलाका। ये देश का नया कर्तव्य पथ है, वो नया पथ जिसमें स्वदेश का रंग है, स्वदेश का शिल्प है। पीएम नरेंद्र मोदी की सोच का यह साकार कर्तव्य पथ है, जिसका उद्घाटन पीएम आज शाम 7 बजे करेंगे। ऐतिहासिक राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, इसे रिडेवलप किया गया है, जिसके डिजाइन में अहम भूमिका निभाई है डॉक्टर विमल पटेल ने। और आपको बताते हैं कि पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। पीएम शाम 7 बजे सुभाष चंद्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, शाम 7:10 पर इंडिया गेट तक घूमने जाएंगे, वहीं 7:17 तक एनडीएमसी बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेंगे, 7:22 पर केनाल ब्रिज से होते हुए लॉन तक जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत विकसित इस कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास के सौंदर्यीकरण में मजदूरों ने अहम भूमिका निभाई है, जिनसे पीएम मोदी विशेष रूप से मुलाकात करेंगे। शाम 7:25 पर पीएम मजदूरों से बात करेंगे, वहीं 7:30 पर कर्तव्य पथ पर एक प्रदर्शनी को देखेंगे, और 8:05 पर पीएम मोदी देश की जनता को इस सौगात को लेकर संबोधित करेंगे। कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा के आसपास के इलाकों को कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा पर यह खास रिपोर्ट देखिए। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ड्रोन वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती लाजवाब है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा कर्तव्य पथ आधुनिक सुविधाओं के साथ 19 महीने बाद फिर से खुलने को तैयार है। दिल्ली में पर्यटकों को ये जगह नए अवतार में लोगों को वापस मिलने वाली है। अब जो लोग भी घूमने के लिए आएंगे, वो शॉपिंग का भी मजा ले सकेंगे। इसके लिए 5 वेंडिंग जोन होंगे, हर जोन में 40-40 वेंडर होंगे। वेंडर छोटी छोटी बास्केट में सामान बेच सकेंगे, इस तरह से करीब 200 वेंडर्स होंगे। वहीं 8-8 दुकानों के 2 ब्लॉक भी तैयार किए गए हैं, जहां पर विभिन्न राज्यों के कल्चर से जुड़ी चीजें भी लोगों को मिल सकेंगी। दिल्ली में आज पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर इंडिया गेट सर्किल सी हेक्सागोन को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आज शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को बंद रखा जाएगा।